आज की स्टूडियो के अंदर हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और लास्ट स्टूडियो के अंदर हमने देखा था क्या कहते हैं यार क्या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उसके अंदर हमने काफी अच्छे से ऑब्जेक्ट्स देखे थे। अब यार जो ये ऑपरेटर्स है ना, ऐसा टॉपिक है कि यार ये आना ही चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यार मैंने 7 ऑपरेटर्स और जेएस नाम की एक फाइल बनाई है और उसे मैंने अपने इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल के साथ लिंक कर दिया, और यहाँ पर जो मैंने पहले फाइल लिंक की हुई थी उसे मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर 7 ऑपरेटर्स और जेएस के अंदर एक कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग में क्या करूंगा, मैं कहूंगा ऑपरेटर्स फाइल कनेक्टेड, ऐसे कुछ यार कर दूंगा भाई साहब कनेक्टेड। यहाँ पर अपने ब्राउजर के अंदर चलता हूँ, यहाँ पर आ गया ऑपरेटर्स फाइल कनेक्टेड, और इसमें मैंने अपनी इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल को लाइव सर्वर के साथ ओपन किया हुआ अपने ब्राउजर के अंदर। और यहाँ पर मैं इस कंसोल डॉट लॉग को ना क्या करूंगा यार कट कर दूंगा। और यार मैंने जितने भी ऑपरेटर्स आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वो मैंने यहाँ पर कमेंट करके उनका नाम लिखा हुआ है, और साथ में उनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आपको समझाने हैं वो भी लिखा हुआ है। सबसे पहले यार ऑपरेटर्स है क्या, ऑपरेटर्स की मदद से हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं। ये डॉक्टर वाले ऑपरेशन नहीं है, ये एक सिंपल हमारे प्रोग्रामिंग वाले ऑपरेशन है। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर हमने दो नंबर को ऐड कर लिया तो वहां पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, मतलब वहां पर भी हम एक क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, जो हम क्या काम कर रहे हैं वो दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। और वो दो नंबर को हम कैसे ऐड कर रहे हैं, हम कोई ऑपरेटर यूज करेंगे, जैसे प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो वो प्लस ऑपरेटर क्या है, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, यहाँ पर मैं देखता हूँ अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब देखो यार जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर से लिख रहा हूँ और ऊपर मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है। ये क्यों लिखा है, ये कुछ बताने वाली चीज भी नहीं है यार, बस मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अच्छे से समझा रहा हूँ और यहाँ पर बस मैंने वैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट नम वन इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कहता हूँ लेट नम वन के अंदर क्या मैं रखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक नंबर रखूंगा 8, और उसके बाद मैं कहूंगा लेट नम टू इज इक्वल टू 9। अब मैं चाहता हूँ जो लेट नम थ्री है, जो मेरा लेट नम थ्री है उसके अंदर ये नम वन प्लस नम टू की वैल्यू आ जाए, मतलब नम वन के अंदर जो भी वैल्यू है और नम टू के अंदर जो भी वैल्यू, उनको प्लस करके जो भी उनका रिजल्ट है वो इस नम थ्री के अंदर आ जाए। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा नम वन प्लस नम टू। जैसे मैं ऐसे करूंगा और इस कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ आपको नम थ्री को, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मेरे ब्राउजर के अंदर मुझे 78 देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 8 प्लस 9 कितना होता है 17 होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस यूज किया और मैंने क्या किया यहाँ पर नम वन और नम टू को प्लस कर दिया। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करेगा, हमारा प्लस कर देगा एड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग है, अगर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि यार मैं मास्टर कराऊंगा आपको जावास्क्रिप्ट, तो मैं हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ एक मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक नेम नाम की स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने लिखा है सीमर, और मेरे पास एक क्या कहते हैं एक और स्ट्रिंग है जिसका नाम जिसका वेरिएबल का नाम ही स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पर मैं कहता हूँ स्ट्रिंग, मतलब मैं अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम का ही करता हूँ अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने लिखा है क्या कहते हैं माई नेम इज, और इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेमी कॉलम दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ लेट फुल नेम इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या हो जो ये क्या कहते हैं अंडरस्कोर स्ट्रिंग है वो और नेम की जो वैल्यू है इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू प्लस हो गए कॉन्कैट हो गए आ जाए। मैं चाहता हूँ दो स्ट्रिंग को ऐड करना कॉन्कैट करना, अब ये मैं कैसे करूंगा, इस चीज में भी मैम प्लस ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पर मैं सिंपली कह सकता हूँ अंडरस्कोर स्ट्रिंग प्लस नेम, जैसे मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग में फुल नेम करके दिखाता हूँ आपको, जैसे फुल नेम को कंसोल डॉट लॉग दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माई नेम इज सिमर, और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर इस सीमर के आके एक स्पेस दे दूँ थोड़ी सी, अब देखो यहाँ पर मुझे कंसोल डॉट लॉग में भी स्पेस देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ये मेरी दो वैल्यू कॉन्कैटिनेट हो गई है। तो आज तक तो आपको समझ आया होगा प्लस ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे कमेंट करने से पहले आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर यहाँ पर मैं पहले नेम लिख दूँ फिर यहाँ पर अंडरस्कोर लिख दूँ अंडरस्कोर स्ट्रिंग, तो आप देखना यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सिमर माई नेम इज, तो मतलब जो भी आप वेरिएबल आगे लिखोगे ना वो उसकी वैल्यू सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसे जैसे पहले था वैसे कर देता हूँ और इसे कमेंट कर देता हूँ, ये हमने देख लिया प्लस। अब हम देखते हैं माइनस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा, मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं फिर से ये जो लेट नम वन और लम टू है ना इन्हें क्या करूंगा यहाँ पर मैं
अनकमेंट कर दूंगा और यही दो वेरिएबल्स मैं आगे यूज करूंगा। यहाँ पर मैं कहूंगा लेट नम थ्री, एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं नम थ्री, और इसके अंदर क्या हो जो नम वन की वैल्यू, मतलब नम वन की जो वैल्यू और माइनस नम टू की वैल्यू हो जाए, मतलब नम वन वैसे नम टू सब्ट्रैक्ट हो जाए, और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, आठ में से अगर हम नौ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन होगा, और इस केस में हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल लॉक करके नम थ्री को, यहाँ पर मैं नम थ्री जैसे ही लिखता हूँ, यहाँ पर नम थ्री कंसोल लॉक करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे माइनस वन देखो मिल रहा है, तो माइनस ऑपरेट क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लाई, ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, यहाँ पर ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मैं कहता हूँ फिर से एक लेट नम थ्री नाम का एक वेरिएबल अगेन, यहाँ पर मैं कहता हूँ लेट नम वन इन टू नम टू। अब यहाँ पर क्या होगा, लेट नम वन क्या है, एट नाइन सा, अब एट नाइन सा क्या होगा वो हम देखते हैं, मैं कंसोल डॉट लॉक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉक करता हूँ यहाँ पर नम थ्री को, जो भी एट नाइन सा होगा वो भी हमें यहाँ पर दिखेगा, जो एट नाइन सा सेवेंटी टू होता है तो यहाँ पर सेवेंटी टू आ रहा है, और यहाँ पर ये था हमारा क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे ही हमारा डिवाइड है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई साहब, इससे कमेंट कर दूंगा, यहाँ पर आपको बताता हूँ डिवाइड, डिवाइड ऑपरेटर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मैं आपको बताता हूँ डिवाइड करके जो भी रिजल्ट होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं नम वन डिवाइडेड बाय नम टू कर देता हूँ, मतलब 8 को 9 के साथ मैं डिवाइड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 0.888888 जो भी रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। अगर मैं नम टू को, अगर मैं नम टू को जैसे नम टू को डिवाइड कर दूँ, नम टू क्या है, 9 है ना, नम टू 9 है, अगर इसे मैं डिवाइड कर दूँ 3 के साथ तो हमें यहाँ पर 3 देखने को मिल रहा है एज अ रिजल्ट, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल पे 9 3 पे आता है, ठीक है। तो ये तो हमने देखे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अच्छा अगर तो आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ आए होंगे, अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर काफी आसान है, यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है गया? इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू का साइन क्या करता है, अभी तक हम जो भी मतलब वेरिएबल बना रहे थे उसके अंदर हम इक्वल टू का साइन यूज कर रहे थे, वैल्यू असाइन कर देगा नेम को जो भी यहाँ पर मैं दूंगा वैल्यू, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ सिमर, तो देख नेम के अंदर क्या चल जाएगा, सिमर चल जाएगा। आपको अभी आपको समझाता हूँ यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कंसोल्डर लॉक करता हूँ, इसे नेम को कंसोल्डर लॉक किया, तो लेट नेम इज इक्वल्स टू सिमर, तो यहाँ पर इक्वल टू क्या कर रहा है, जो भी इसके अंदर राइट साइड पर हम वैल्यू दे रहे हैं वो इस वेरिएबल के अंदर डालेगा, तो मुझे सिमर देखने को मिल रहा है, ये था हमारा इक्वल टू। ऐसे हमारे पास और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक है प्लस इक्वल टू, ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ लेट नम थ्री नहीं, यहाँ पर मैं कहता हूँ जैसे हमारे पास नम वन है ना, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ लेट नम वन प्लस इक्वल टू टू, तो यहाँ पर कंसोल्डर लो करता हूँ अब नम वन को, मैं आपको कंसोल्डर लो कर देता हूँ नम वन को, तो पहले नम वन की क्या वैल्यू है वो देख लेते हैं, मुझे लेट हटाना पड़ेगा, तो पहले नम वन की क्या वैल्यू है, तो पहले नम वन की वैल्यू है 8, ठीक है, पहले नम वन की वैल्यू है 8, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ लेट और नम वन प्लस इक्वल टू 2, ठीक है, और इसे कंसोल्डर लो कर रहा हूँ नम वन को, तो यहाँ पर मुझे 10 देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, पहले तो 8 था, पहले तो इसकी वैल्यू 8 थी ना, अब 10 कैसे होगी यार, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ प्लस इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी नम वन की वैल्यू है वो उठाएगा, जो पहले वैल्यू है जो हमने दी यहाँ पर 8, और उससे क्या करेगा प्लस कर देगा 2 के साथ, मतलब जो भी हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं उसके साथ, और इक्वल टू का साइन आ रहा है तो असाइन हो जाएगी वही वैल्यू जो भी यहाँ पर हमारी वैल्यू बनी है नम वन को, तो हमें यहाँ पर 10 देखने को मिल रहा है, आशा करता हूँ आपको प्लस इक्वल टू समझ आएगा। ऐसे हमारे पास होता है, मैं आपको बताता हूँ, इससे मैं दो तीन बारी कर लेता हूँ, और यहाँ पर प्लस इक्वल टू वाले को इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ माइनस इक्वल टू, तो माइनस इक्वल टू क्या करेगा, माइनस कर देगा, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉक किए जितने भी अभी इन्हें मैं कमेंट करता हूँ, तो 6 आ गया, 8 में से 6 चल गया, माइनस इक्वल टू ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ माइनस इक्वल टू हो गया हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या करेगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या करेगा, जो भी नम वन की पहले वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर देगा जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें 16 देखने को मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हमें 16 आ रहा है। इसके बाद आता है डिवाइड इक्वल टू, मैं आपको बताता हूँ डिवाइड इक्वल टू क्या करेगा, डिवाइड इक्वल टू सिंपली डिवाइड कर देगा, तो 4 हमें रिजल्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि नम वन की वैल्यू क्या है पहली 8, तो यहाँ पर नम वन की जो भी वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2,
जो हमें मिलेगा चार, और उसके बाद इक्वल टू का ऑपरेटर है तो नम वन के अंदर वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, तभी हमें यहाँ पर फोर देखने को मिल रहा है। अच्छा अगर तो आपको समझ आएगा तो गौर से जो कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ना, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो गौर से आज की स्टूडियो के अंदर इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में।